आइए आपको बताते हैं कि अपनी जान पर खतरे की शिकायत को लेकर केंद्र सरकार के पास पहुंचे संजय जोशी आखिर कौन है और किन हालातों में उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर होना पड़ा। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन गडकरी और संजय जोशी 1980 के दशक में नागपुर में आरएसएस की एक ही शाखा में काम किया करते थे, इसलिए आरएसएस के साथ साथ उनकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी काफी लोकप्रियता है। खास तौर से जमीन से जुड़े बीजेपी कार्यकर्ता संजय जोशी के सबसे ज्यादा करीब है, और तो और पार्टी छोड़ चुके पुराने नेता भी संजय जोशी की तारीफ करते नहीं थकते। संजय जोशी मूल रूप से नागपुर के हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। वो संघ के रास्ते बीजेपी में आए और उन्हें बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए पहली बड़ी जिम्मेदारी गुजरात की दी गई। वो 1990 में महाराष्ट्र से गुजरात आए। 1995 में गुजरात में जब बीजेपी की पहली सरकार बनी, उस वक्त वो गुजरात बीजेपी के महासचिव बनाए गए। जोशी करीब 13 साल तक गुजरात में रहे और बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रहे। 2001 में नरेंद्र मोदी से खटपट होने के बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्हें बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव बनाया। सीडी कांड में क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें पार्टी में फिर से अहम रोल अदा करने का मौका मिला। बीजेपी ने संजय जोशी को उत्तर प्रदेश के 2012 के विधानसभा चुनावों की बागडोर सौंप दी। हालांकि उनके नेतृत्व में बीजेपी इन चुनावों में कोई कमाल नहीं कर पाई।